क्लास 8, वेलकम टू द क्लास। बच्चों, हमने इससे पहली वीडियो में लेसन नंबर 14 शिक्षा प्रदाह सूक्तया, इन सूक्तियों के विषय में जाना था, जिसमें हमने फर्स्ट 5 को किया था। आज हम नंबर 6 से करेंगे, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितकारी और मनोहारी, ये दोनों तरह के वचन दुर्लभ हैं। मतलब ऐसी बात बोलना जो अच्छी भी हो और जो मन को भी सुहाती हो, ऐसा बोलना प्राय कठिन हो जाता है। अगला है, आर्जवम ही कुटिलेशु न नीति ही। कुटिल जनों के प्रति सरल व्यवहार नहीं होना चाहिए, यानी कुटिल व्यक्ति के प्रति सरलता को त्याग देना चाहिए। ठीक है, मतलब कुटिल जो है ना, अगर आप उसके प्रति सरल व्यवहार करते हैं तो वह आपकी सरलता से प्रभावित नहीं होता, पहचानता नहीं है आपको। अतः कुटिल व्यक्ति के प्रति सरलता को त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये तो अक्सर हम सूक्ति प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है जननी यानी जन्म देने वाली माँ, और जन्मभूमि यानी वह धरती जहाँ हमने जन्म लिया है, ये कैसी होती है, स्वर्ग से भी महान। ठीक है, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। भूषणानि यानी आभूषण, क्षीयन्ते यानी कम हो जाती है या फीकी पड़ जाती है, सभी प्रकार के आभूषणों की चमक फीकी पड़ जाती है। ठीक, लेकिन वागभूषणम वाणी रूपी आभूषण सदा अच्छी तरह से रहने वाला आभूषण है, यानी आपकी वाणी अगर अच्छी है तो यह सबसे अच्छा आभूषण है। नेक्स्ट है, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना गृहे। इसका अर्थ है, आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है, अर्थात विपत्ति आने पर ही हमें उसके लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका हल खोज लेना चाहिए, अर्थात पूर्व में ही हमें सोचना चाहिए। हालांकि हम विपत्ति के बारे में नहीं सोचते हैं कि विपत्ति आएगी, लेकिन कुछ चीजें इस तरह की होती हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। तो हमारी सूक्ति का अर्थ है कूप खननम यानी कुआं खोदना, युक्तम ठीक यानी उचित। ठीक है, तो आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है, और विपत्ति आने पर ही उसके बारे में चिंता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। संक्षिप्त एवं स्पष्ट रूप से बोलना ही वाणी की कला है, यानी आप कैसे वचन बोलिए, सारवचन, या सारवचन का अर्थ होता है बेटा मीनिंगफुल, है ना, यूजफुल मीनिंगफुल, ऐसे वचन बोलने चाहिए और कम से कम शब्दों में अपनी बात को स्पष्ट करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा शिक्षा प्रदाह सूक्तय, जो पाठ है ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आई होप कि आप इसको और अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो फिर जब आप क्लास में आएंगे तो और अच्छे से आपको दोबारा करा देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।